हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नारियल की बर्फी। एकदम हलवाई जैसा नारियल की बर्फी हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से और बहुत कम सामानों में। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर पैन को गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम 2 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। तो ये हमने घी को डाल दिया है। अब घी को अच्छे से गर्म होने दें। जब घी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, यानी नारियल का बुरादा जिसे कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं। तो ये हमने नारियल को डाल दिया है। अब इसे हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए इसे भून लें। ध्यान रखें हमें नारियल का कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा इसे लो फ्लेम पर भून लेना है जब तक कि इसमें से मीठी सी खुशबू नहीं आने लगे। तब तक इसे भून लें। कलर चेंज करेंगे ना तो इसमें कड़वापन आ जाएगा, इसके लिए कलर नहीं चेंज करें। तो ये देखिए हमने 3 मिनट इसको भून लिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो मैं इसमें 2 कप उबला हुआ दूध डाल रही हूँ। आप इसके जगह पर कच्चा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दूध को उबाल कर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने 2 कप दूध डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जब दूध और कोकोनट अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि दूध जो है ना वो सूख नहीं जाए। तब तक हमें इसे पका लेना है। तो इस तरीके से लगातार चलाते रहें। और ये देखिए अभी दूध इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए लग रहा है ना सूखा। तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसके बाद हम इसमें 1 कप चीनी यानी शक्कर डालेंगे। तो शक्कर अपने हिसाब से डालें जितना आपको मीठा पसंद है। अगर आप मीठा कम खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कम डालें। अब इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से नारियल की जो बर्फी है ना वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके जगह पर आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं 1/2 कप। अगर मलाई डालें तो घी का इस्तेमाल नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान दें क्योंकि मलाई में भी घी रहता है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर मिल्क पाउडर आप कम डालना चाहते हैं तो 1/2 कप भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको लो फ्लेम पर ऐसे मिला लें। जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे वैसे वैसे ये थोड़ा सा पतला होते जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि जो हमने चीनी डाला है ना वो मेल्ट हो जाता है तो इस तरीके से पतला हो जाता है। जब ऐसे पतला हो जाएगा तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाए, यानी गाढ़ा नहीं हो जाए। तो ये देखिए धीरे धीरे अभी गाढ़ा होने लगा है। तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और मिलाते हुए हम इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से सूख नहीं जाए। ये देखिए ये अभी अच्छे से सूख गया है, पैन को छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब क्या करेंगे कि हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले ऐसे इसको प्लेन कर लें, उसके बाद हम इसको बीच में से ऐसे अलग अलग कर लेंगे, ये देखिए ऐसे अलग अलग कर लें। अब चलते हैं प्लेट को ग्रीस करने। तो यहाँ हमने एक प्लेट को ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 पार्ट इसमें ऐसे डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरीके से स्पून से इसे अच्छे से सेट कर लें, ये देखिए। सेट करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब ये जो बचा हुआ है ना मिश्रण, हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो आप अपने मनपसंद का कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैं इसमें पिंक कलर का फूड कलर डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर दें और लो कर दें, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पर ऐसे मिला लेना है। तो ये देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ट्रे में सेट कर देंगे। तो जो हमने पहले से वाइट वाला पार्ट किया है ना सेट, उसके ऊपर ही हम इसको अच्छे से ऐसे डाल देंगे और स्पून की हेल्प से इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरीके से इसको अच्छे से फैला दें, ये देखिए। तो ये हमारा 2 कलर में बर्फी बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमने फैला दिया है, मगर ऊपर का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं बहुत रफली दिख रहा है, तो हम इसको चिकना करेंगे। तो उसके लिए स्पून के पीछे थोड़ा सा घी लगा लें और घी लगाकर इसको ऐसे चिकना कर लें। बीच बीच में घी लगाते रहें ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। तो ये हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है, ये देखिए।
तो अब इसे हम 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे, या फिर आपको जल्दीबाजी है तो आप इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में नहीं रखें, फ्रिज में रखें। तो 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी बर्फी है ना, वो अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो अगर आपको डायमंड शेप में पसंद है तो आप वैसे काटिए, या फिर स्क्वायर शेप में काटिए। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। तो ये हमने बर्फी को काट लिया है, ये देखिए। तो अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने बर्फी को प्लेट में लगा लिया है, आप देख सकते हैं, लग रहा है ना टेम्पटिंग। तो जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल का रेसिपी और भी मज़ेदार है तो देखना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।